धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम भजन संहिता 22 मनोव्यथा की पुकार और स्तुति गान शुरू करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा उठठा करते हैं और ओट बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से साँड़ों ने मुझे घेर लिया है, बसान के बलवंत साँड़ मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकर हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। तू मुझे मार कर मिट्टी से मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा। हाँ, जंगली सांडों के सिंगों से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूँगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो, हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो, हे इज़राइली के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरे ही ओर से होता है, मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूँगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें, पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हृष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। आमीन आमीन और आमीन।